नमस्कार, मध्याह्न खबर को स्वागत करछु। चिन्मयी प्रथमे हेडलाइंस। कोटियारे आंध्र निर्वाचन करने प्रसंग, आंध्र प्रति जवाब रे आफिडेविट दाखल करने को ओडिशा को मिलला एक मासर समय, दुईजिया खंडपीठ रे हेला सुनानी। आरंभरु हटगोल चासी रे तातिले कंपिला विधानसभा, तीन दिन चारिटा जाए गृह मुलतवी, प्लाकार्ड धरी गृह रे बीजेपी विधायकों नाराबाजी, सेपटे कांग्रेस विधायकों प्रतिक्रिया, धान न उठिबा जाए चलाई देबरी गृह। परी मामलें अभियुक्त नाबालक मां विस्फोरक बयान, मो पुओ को फसाइबा को चेष्टा करुछि एसआईटी, माड़मारी मिछ कहउछंती बोथरा। परी हत्या मामलें अभियुक्तर वीडियो वायरल प्रसंग, एसआईटी उपर बरसिला बीजेपी बारंबार, डाटा कहीं लिक होउछि कहिले लेखाश्री, तदंत बाटबणा करा जाय, प्रकृत दोषी को घंट घोड़ाउथिबा अभियोग। नयागढ़ बहुचर्चित परी अपहरण हत्या मामला, एसआईटी एलवीए टेस्ट आवेदन आज शुणी, नयागढ़ चिल्ड्रेन्स कोर्ट सुनाइबे राय। ड्रागन मानिला गलवान सत, एलएसी रे मरिछंती चारि चीन सेना, गणमाध्यम रे चारि सैनिकों ना प्रकाश, पूर्व मृत्यु को मानु नथिला चीन। अंतरिक्षरे नासार ऐतिहासिक सफलता, मंगल रे सफलतार सह लैंड कला रोवर, सात मासर यात्रा परे काली राति 2:25 रे अवतरण। शेषे पुरी में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रणावत महाप्रभु का दर्शन करी नेले आशीर्वाद, कहिले वर्ष आरंभ जगन्नाथ दर्शन करी मु धन्य, विश्ववासी सुख समृद्धि नहीं कामना। एथर संपूर्ण खबर। विधानसभा बजेट अधिवेशन द्वितीय दिन में प्रश्नकाल आरंभ, गृह अचल, चाषी और मंडी प्रसंग को नहीं प्रश्नकाल आरंभ, विरोधी हट्टगोल जगु अपराह 4 जाए गृह को मुलतवी घोषणा कर। आज अधिवेशन प्रश्नकाल आरंभ होगा मात्र विरोधी हंगामा जगु दिन 11:30 जाए गृह को मुलतवी घोषणा करते बाचस्पति, 11:30 गृह कार्य आरंभ होगा मात्र पुणी विरोधी दल सदस्य हंगामा करने को अपराह 4 जाए मुलतवी घोषणा कर। प्रश्नकाल आरंभ चासी समस्या, धानमंडी प्रसंग रे विरोधी नाराबाजी देछन्ते, बाचस्पति को पोडियम निकट को जाई कांग्रेस बीजेपी विधायक हो हल्ला करथिले, बीजेपी विधायक प्लाकार्ड धरी विरोध प्रदर्शन करिवारु बाचस्पति को गृह को मुलतवी घोषणा करा जिछि। परी हत्या मामलें एसआईटी द्वारा अभियुक्तर वीडियो वायरल को नहीं बरसिला बीजेपी, एसआईटी और राज्य सरकार को सीधा सड़क टार्गेट करिछंती बीजेपी साधारण संपादिका लेखाश्री सामंत सिंघार, से कहिछंती बारंबार एसआईटी डाटा लिक होउछि, तांको प्रथम स्टाटस रिपोर्ट मध्य किछिटा गणमाध्यम को दिया जाइथिला, विधानसभा रे किछि महत्वपूर्ण प्रसंगरु नजर हटाइबा को एपरि करा जाउथिबा कहिछंती लेखाश्री, एसआईटी तदंत को बाटबणा करुछि, वीडियो लिक करा जाय असल अभियुक्त घंट घोडा जाउछि, राज्य सरकार मध्य एजेंसी द्वारा यहाँ घंट घोड़ाउंते, गतकाली परी मां एसआईटी तदंत उपरे प्रश्नवाची सृष्टि करते, घटन जो माने अभियुक्त विरोध में प्रमाण देते घटन संप्रक्ति थिबार अभियोग आरीर मां जदुपुर नाबालिका को न्याय मिलवा दरकार, यहाँ जिते घंट घोड़ाइले भी सत्य सामना को आसब, परी बापा मां जो मान तदंत परिसरभुक्त कर आवश्यक लेखाश्री कहते। एसआईटी तदंत को बाटबणा करने ओडिशार विधानसभा आगरे जो विषय रही कोटिया एवं अन्यान्य गाँ रे आंध्रर निर्वाचन करवा, ओडिशार सीमा सुरक्षित न रहिबा, धान मंडी रे आज भी चाषी मानकर धान पड़ रहिबा, ये सबू महत्वपूर्ण प्रसंगरु नजर हटेबा ये जो ये वीडियो वायरल करा जाइछि, एतरे सीधा सड़क से बंद लफाफा भी एसआईटी लीक करैतिला, एई वीडियो भी एसआईटी लीक करैछि, जेतेबेले वीडियो गोटे हाईकोर्ट रे दिया हैछि बा अन्य को कोर्ट रे दिया हैछि एविडेंस हिसाब रे प्रमाण हिसाब रे से वीडियो बाहर को केमिति आसिला यार तदंत हबा निहाति आवश्यक, या पछरे षडयंत्रकारी को माने उभय परी इशु को एवं कोटिया आउ धानमंडी इशु को डाइल्यूट करिवा पाई कि चाहूँ राज्य से मानकर मुखा भी खोलिबा आवश्यक।
वर्तमान सीधासलख नजर पकेबा वेस्ट बेंगल को जीवा एवं गृहमंत्री अमित शाह उद्बोधन उपरे सीधासलख नजर पकेबा। चिरकाल तक न केवल भारत में रहने वाले भारतीय, दुनिया भर में जहां जहां भारतीय बसे हैं वो चिरकाल तक याद करें और उसमें से प्रेरणा लेकर भारत को महान बनाने में अपना योगदान देते रहे। और मैं खास कर देश भर की युवा पीढ़ी को कहना चाहता हूं कि एक बार सुभाष बाबू के जीवन को आप अचूक पढ़िए, इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक ऐसा मेघावी विद्यार्थी जो ICS की परीक्षा में टॉपर कर बाहर आया, उस वक्त पूरे देश के युवा लालायित होते थे ICS हो भी जाए तो बहुत बड़ी बात है, अंग्रेज सरकार की नौकरी मिलती थी। सुभाष बाबू ने अंग्रेज सरकार की नौकरी ठुकरा कर देश की आजादी के संग्राम के साथ जुड़ना तय किया, वहीं से उन्होंने बहुत बड़ा संदेश, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं कि उन्होंने आज ICS की परीक्षा क्यों दी हो, क्योंकि बाल सुभाष के मन में ही देश भक्ति के रास्ते पर, देश की स्वतंत्रता के रास्ते पर जाने का तय हो गया, मगर ये मैसेज देने के लिए ही ICS की परीक्षा दी होगी कि मैं ICS होने के बावजूद भी अंग्रेजों की नौकरी नहीं करना चाहता, इस देश से अंग्रेजों ने अब जाना चाहिए। एक उत्तम प्रशासक थे, कलकत्ता के मेयर बने, कांग्रेस पार्टी के 2 बार अध्यक्ष बने और 1 बार तो गांधी जी की इच्छा के विरुद्ध चुनाव लड़कर गांधी जी के प्रत्याशी को हराकर वो कांग्रेस के अध्यक्ष, उनकी लोकप्रियता का परिचायक और अदम्य उत्साह देश को कुछ भी कर आजादी दे, और इसमें से कोई चीज, कोई प्रयास, कोई रास्ता बाकी न छोड़। मित्रों कल्पना कर सकते हैं एक ऐसे साम्राज्य के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे थे जिसका सूर्योदय कभी समाप्ति नहीं होता था, जिनका दिन कभी अस्त नहीं होता था, इतने सारे देशों पर उनका साम्राज्य था और उसको चकमा देकर बंगाल से भागकर हजारों किलोमीटरों की यात्रा कर पैदल गाड़ी में सबमरीन में आजादी खोज की रचना तक और भारत की भूमि पर अपना तिरंगा फहराने तक की उनका जो संघर्ष गाथा है कोई भारतीय ने कभी भूली नहीं चाहिए। और इसीलिए भारत सरकार ने तय किया है कि 125वां उनका जो साल, उसको न केवल सुभाष बाबू देश के लिए, देश की आजादी के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए जिन जिन लोगों ने अपना जीवन का बलिदान दिया है, जिन जिन लोगों ने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर देश के स्वतंत्रता संग्राम में खुद पड़े, उस सभी को एक बार फिर से जनमानस के अंदर पुनर्जीवित करना और उसमें से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने। यहां बहुत सारे युवा बैठे, अभी हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम में खुदीराम बासु की बात सुनी, इतनी कम आयु में हंसते हंसते वंदे मातरम बोलकर फांसी के फंदे पर चढ़ जाना कोई कम वीरता की बात नहीं। मित्रों हम लोगों के भाग्य में देश के लिए मरना नहीं मगर देश के लिए जीना ईश्वर ने हम पर छोड़ा है। मैं युवाओं को खास अपील करता हूं कि जिन्होंने देश के लिए अपनी जान का बलिदान दिया उसका स्मरण कर हम बाकी का जीवन देश के लिए जीना ये तय कर दे तो उनके बलिदान को इससे बड़ी श्रद्धांजलि कोई नहीं। इस प्रकार के कार्यक्रम की रचना की जाती है कि युवा पीढ़ी इसको जाने समझे, इस संस्कार को, देशभक्ति और बलिदान के संस्कार को स्वीकार करे। बलिदान का मतलब सिर्फ अपनी जान का बलिदान देना नहीं, बलिदान का मतलब देश के अस्तित्व में अपने व्यक्तित्व को रुला मिल देना, अपने व्यक्तित्व को बिगाड़ देना भी बलिदान। देश के प्रगति के लिए, देश को महान बनाने के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा देना भी बलिदान होता है। देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी निजी व्यक्तिगत करियर को भी
बलिदान करना वो भी बलिदान होता है। जब आजादी मिल गई हजारों लाखों बलिदानियों की बलिदान के आधार पर, तब हम देश को कहां ले जाना चाहते, कोई देश की युवा पीढ़ी ने तय करना पड़ेगा। सुभाष बाबू ने अगर करियर का सोचा होता तो आज हमारे सामने आजाद हिंद फौज का गौरवशाली इतिहास ही नहीं होता जिन्हें अंग्रेजों ने हिला कर रख दिया। सुभाष बाबू ने अगर करियर का सोचा होता तो भारत के ऊपर राज करने वाले अंग्रेजी साम्राज्य को झंझोड़ कर किसी ने रख नहीं दिया। सुभाष बाबू ने अगर अपनी करियर का सोचा होता तो देश के करोड़ों युवाओं को 125 साल के बाद भी वो प्रेरणा स्रोत न मिला होता जिस प्रेरणा स्रोत के आधार पर आज करोड़ों युवा अपना जीवन को उस रास्ते पे ले जाने। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय किया है सुभाष बाबू की अच्छा परवर्ती खबर को कोटिया प्रसंग रे सुप्रीम कोर्ट रे सुनाणी करा जाय छि। प्रति जवाब लागि ओडिसा सरकार को 4 सप्ताह समय सुप्रीम कोर्ट दैछंती। ओडिसा को समय मिलबा परे ओडिसा पक्ष वकील शिवशंकर मिश्र कहिछंती जे आमो पाखरे पर्याप्त डॉक्यूमेंट रहिछि। 1936 मसीहा परठारु आमो पाखे सबु डॉक्यूमेंट अछि। ओडिसा रो गां रे आंध्र प्रदेश निर्वाचन कराइथिबार प्रतिवाद रे ओडिसा सरकार सुप्रीम कोर्ट को द्वारस्थ होइथिले। निज पक्ष को दृढ़ करबा पई कोन कोन तथ्य प्रमाण रखा जिवो तार रणनीति प्रस्तुत करबा को दिल्ली रे लीगल टीम रो बैठक बसिथिला। सेपटे आंध्र सरकार कोर्ट रे दाखल करथिबा सत्यपाठ अनुसार 1952 मसीहारु कोटियार विवाद तीनोटी गां रे सेमाने निर्वाचन करि आसुछन्ते। बर्तमान आपंक आमे टाइम मागिनु किंतु आमर जो जो दस्तावेज गुड़ाक बहुत सारे दस्तावेज वॉल्यूमिनस रेकर्ड थी ये रेकर्ड जो प्रोड्यूस करने कहलु कोर्ट कहला कि सारे रेकर्ड फाइल कर तेणुक आम 4 weeks टाइम दौचु तेणुक कोर्ट तरफ आमको 4 weeks टाइम मिली आम सारे डॉक्यूमेंट को आम एकटा करके नयागढ़ बहुचर्चित परी हत्याकांड मामला एसआईटी एलवी अटेस्ट आवेदन आज हे शुणी। नयागढ़ बहुचर्चित परी हत्याकांड मामलें आज अभियुक्त नाबालक एलवी टेस्ट नहीं एसआईटी पक्ष आवेदन शुणी करेंगे नयागढ़ चिल्ड्रेन्स कोर्ट। अंपक्ष अभियुक्त नाबालक वकिल पक्ष आज नयागढ़ चिल्ड्रेन्स कोर्ट में अपील पिटिशन फाइल हो सूचना रही। परी मामलें सामना को आसला सांघातिक सत्य आउ ए वीडियो रु सामना को आसला स्वीकारोक्ति पछर सत। वीडियो पूर्वर नाबालक को भय माड़ और धमक दि जाऊ अभियोग नानी बाहागर भांगी देबार भय देखाउथिले एसआईटी मुख्य एपरिकि बापा नथिबारु नाबालक को डराउथिबा वीडियो रु जणा पडुछि। तो पई लढिबा को केही नाही तू फसी गले किछि करि पारिबुनि बोली कुहा जाउछि। प्रथमे नाबालकर स्वीकारोक्ति वीडियो वायरल परे एबे एही द्वितीय वीडियो को नै चर्चा जोर धरिछि। सर मुझे धमक दी कहली तो बापा तो ना लड़िया कहीं ना तो फसल किसी कर मार्ड अच्छी तो भौणी बाहर भांग तो भौणी गोटे टमसान धमक दे तो ना बाहर भांग गोटे सेकेंड लगे ना तो दिमास सर मुझे धमक दी कहली तो बापा तो ना लड़िया कहीं ना तो फसल किसी कर मार्ड अच्छी तो भौणी बाहर भांग तो भौणी गोटे टमसान धमक दे तो ना बाहर भांग गोटे सेकेंड लगे ना तो दिमास सेपटे परी मामलें अभियुक्त नाबालकों माँ अर्गस को देखते एक्सक्लूसिव प्रतिक्रिया से कहते मो पुओ को फसाइबा को चेष्टा कर माड़मारी एसआईटी मुख्य अरुण बोथ्रा मो पुओ को निर्यातना दे आसुंच मो पुओ को खराब भाषा गाली गुलज कर मिछ कह बाध्य सब मिथ्यार कहते एसआईटी में से बड़ अफिसर से नहीं कि बाड़ाबाड़ी कर बहुत गाली दे चुतिया मुतिया से जो अरुण बोथ्रा सारे मोर निज आगे चुतिया चुतिया बोली शोधिंट चुतिया शोधिकी आम को आग छाड़ीदे मो पु को रखीदे राति बहुत बाड़ाबाड़ी कर अंधारिया घरे तो माँ भौणी की मारिदेबु बार बहुत बेजित शोधी ताक भय देखा एगुड़ा कर मो पा सब पूरा सचोट पूरा सत्यरे मो पा चलती मो पु को मुझे जानी मुझ जन्म कर आज्ञा मुझ कौन चिंता करूनि मो धर्म जय पापरु खे मु भगवान को डाकुची मो पा निर्दोष आज्ञा।
ଶେଷରେ ଡ୍ରାଗନ ମାନିଲା ସତ ଗଲୱାନରେ ମରିଛନ୍ତି ଚାରି ଚୀନ ସେନା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକଥାକୁ ମାନିଛି ଚୀନ ପ୍ରଶାସନ। ଗତବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଏହି ସଂଘର୍ଷକୁ ମନା କରି ଆସୁଥିଲା ଚୀନ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନିଜ ମୁହଁରେ ସତ ମାନିଛି। ତେବେ ରୁଷିଆ ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି, ଗତବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷରେ ଚୀନର 45 ଜଣ ସୈନିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଚୀନ ସେନାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପିପୁଲ୍ସ ଡେଲି ଚାଇନା ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏକଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଚୀନ ସବୁ ଜାଣିବି ସାରା ବିଶ୍ୱଠୁ ସତ ଲୁଚାଉଥିଲା। ଏବେ ସତକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଚୀନର ଚାଲାଖି ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଭାରତ ଦାବି କରୁଥିଲେ ବି ଚୀନ ଏକଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲା। ଗତବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ଯେଉଁ ଗଲୱାନ ଘାଟିରେ ଭାରତୀୟ ସୈନିକ ଆଉ ଚାଇନା ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରାସ୍ ହୋଇଥିଲା, ଫାଇଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ତାର 4-5 ଜଣ ସୈନିକ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଚାଇନା ତାର ପ୍ରକୃତ ନିହତ ହୋଇଥିବା ସୈନିକର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲୁଚାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଇନା କେବେ ତାର ନିଜର ୱିକନେସ୍ ୟା ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ କେବେ ବିଶ୍ୱ ସାମ୍ନାରେ ସେ ପକାଇନି। ସେ କେବେ ସବୁବେଳେ ସେ ଚାହେଁ ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯେ ତା'ର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେନା, ସେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଜେନ୍ସି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣାଇଥିଲା ଯେ ଚାଇନାର ପାଖାପାଖି 42 ସୈନ୍ୟ ମରିଛନ୍ତି। ରଷିଆନ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଜେନ୍ସି ତାଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି କ୍ଲିଅରଲି ତାକୁ ନୋଟିଫାଇ କରିଛି ଯେ 45 ଜଣ ସୈନ୍ୟ ଚାଇନାରେ ମରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯାହା ଅନ୍ୟ ଆମର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଇଭେନ୍ 45ରୁ ବି ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ, 50ରୁ ପାଖାପାଖି ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ ତାଙ୍କର ମରିଛନ୍ତି। ପୁଣି କରୋନା ମେଡିସିନ୍ ଆଣିଲା ପତଞ୍ଜଳି, ଯାହାର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି କରୋନେଲ। ତେବେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଯୋଗଗୁରୁ ବାବା ରାମଦେବ ବେଶ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ ଏବେ କରୋନାର ଚିକିତ୍ସା କରିହେବ। ରାମଦେବଙ୍କ ଅନୁସାରେ ନୂଆ ମେଡିସିନ୍ ପାଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ସହ 250ରୁ ଅଧିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପର ରହିଛି। କେବଳ କରୋନାକୁ ନେଇ 25 ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପର ରହିଛି। ମେଡିସିନ୍କୁ ନେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାଲକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, କରୋନେଲ୍କୁ DGCA ଓ WHO ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିସାରିଛି। 154 ଦେଶରେ ଏହା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ କରୋନେଲ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ମେଡିସିନ୍ ଲଞ୍ଚିଂ ଅବସରରେ ରାମଦେବଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କରୋନା କେ ଯୋ ପୁରେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ସ କୋ ଫଲୋ କରତେ ହୁଏ ଔର କିସ ତରହ ସେ କରୋନିଲ ସହସାରୀ ଅଣୁତେଲ କେ ଦ୍ୱାରା ହମନେ ଲାଖୋ ଲୋକୋଁ କି ଜାନ ବଚାଇ ଔର କରୋଡୋ ଲୋକୋଁ କେ ଭିତର ହମନେ ହୌସଲା ଜଗାୟା ଔର ସବସେ ଜ୍ୟାଦା ରିକଭରୀ ରେଟ। ମୈଁ କିସି ଭି ପୈଥି କେ ସଂଘର୍ଷ କୋ ୟହାଁ ପର ପ୍ରତିଷ୍ଠାପିତ ନହୀଁ କରନା ଚାହତା। ଭାରତ ମେଁ ସବସେ ଜ୍ୟାଦା ରିକଭରୀ ରେଟ ହୈ, ସବସେ କମ ଡେଥ ରେଟ ହୈ और करोड़ों लोग संक्रमित होने के बाद स्वस्थ हुए हैं। तो उसमें जहां एक और मॉडर्न मेडिकल साइंस की भूमिका है, तो दूसरी ओर उसमें बहुत बड़ी भूमिका उसमें हमारे एंशंट साइंस की भी है, योग आयुर्वेद की भी है। करोड़ों लोग अपने घर पर बैठे भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम सूर्य नमस्कार योगिक प्रैक्टिसेस कर रहे थे। करोड़ों लोग अपने घरों में काढ़ा पी रहे थे, कषाय पी रहे थे, क्वाथ पी रहे थे। ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଡିଭାଇଡରକୁ ଚଢ଼ିଲା ବୋଲେରୋ। ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଏକାଧିକ ରୋଗୀ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି ମେଡିକାଲରୁ ରୋଗୀ ଛାଡ଼ି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ମେଡିକାଲ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ରାସ୍ତା ମଝିର ଡିଭାଇଡର ଉପରକୁ ମାଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସମେତ କିଛି ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗାଡ଼ିଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଜଣକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଛନ୍ତି। ବେଆଇନ ଲୁହାପଥର ବୋଝେଇ ବାରଚକିଆ ଟ୍ରକ୍କୁ ଜବତ କରିଛି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ। ସୁଲେଇପାଟ ଲୌହ ଖଣି ଆଖପାଖରୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଲୌହପଥର ଖନନ କରି ମାଫିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଗତକାଲି ବେଆଇନ ଚାଲାଣ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ଲୁହାପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍କୁ ଜବତ କରିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଟାଉନ ରାଣୀବଗିଚା ବାଇପାସରୁ 70 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। ଘଟଣାରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଉମରକୋଟରୁ ମଥୁରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଟାଉନ ଥାନାର ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ବୁହା ଗାଡ଼ି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ ବନ ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ। ଆଇରନ୍ ବୋଝେଇ 5 ଡମ୍ପର ଜବତ କଲା ପୋଲିସ। ଗତରାତି ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ବଡ଼ବିଲ୍ ରେଞ୍ଜ ଅଂସେଇକଳା ନିକଟରୁ ଜବତ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପର ଫେରାର ଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଖବର ପାଇ ରାତିରେ ବଡ଼ବିଲ୍ ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ।
मंगल ग्रहरे पहुंचला नासार रोवर। आमेरिकार महाकाश गवेषणा संस्था नासा गतकाली राति 2:30 रे मंगल रे परसी वरेन्स मार्स रोवर रो सफलता पूर्व लैंडिंग करा जायछि। एहा सह आमेरिका मंगल को सर्वाधिक रोवर पठाइथिबार दुनियार प्रथम देश पलटिछि। मंगल रे जीवनर संधान पई जायछि एही रोवर। भविष्यत रे सेठारे मनुष्य रही परिबो कि नाही तार संधान भी करिबो रोवर। जेजरो क्रेटर जहा मंगल ग्रहर एक दुर्गम इलाका सेठारे लैंड करिछि परसी वरेन्स मार्स रोवर। यहाँ ओजन प्राय 1000 किलोग्राम। यह परमाणु शक्ति रे चलिबो। यह मंगल पृष्ठ रे 10 वर्ष जाए काम करिबो। एतिरे 7 फुट रो रोबोटिक आर्म 23 टी कैमरा और एक ड्रिलिंग मशीन लागिछि। एगुडिक मंगल रो माटी फोटो और वीडियो नेबारे सहाय्य करिबो। कटक सीडीए 13 नंबर अंचल में दंता आतंक रेवेन्सार द्वितीय कैंपस भितर पशि दंता आतंक सृष्टि कर कैंपसर पचेरी भांगी दंता उत्पात कर देखा मिली जहाँ स्थानीय लोक भय जमापड़ कलाहांडी कलापट रे हाथी मृत्यु घटना स्थिति अनुधान पाई आज कलापट अभयारण्य जीव केन्द्रीय प्रतिनिधि दल गजराज मृत्युर कारण खोजिबे। कलापट रे एबे सुधा 6 हाथीर मृत्यु होइतबा बळे हाथीको सुरक्षा को नै उठिछि प्रश्न। प्राथमिक तदंतर प्राणी विशेषज्ञ हाथी मृत्युर कारण साहण भूताणु जानिबाकु पाइथिला। आगामी दिन में हाथी मृत्यु संख्या वृद्धि आशंका करा जाउछि। भूताणु संक्रमण रोकिबाकु स्थानीय अंचलर गृहपालित पशु को टीकाकरण हाथी पिउथिबा नाळपाणी को विशोधन तथा हाथीक रोग प्रतिषेधक शक्ति वृद्धि पई खाद्य व्यवस्था को सुदृढ़ पई वर्तमान विशेषज्ञ टीम वन विभाग परामर्श देइछन्ते। कटक जिला महांगा वेड़ागा केनाल रु उधार मृत महिला परिचय मिली। मृत वेड़ागा र 6 नंबर वार्डर अनुपमा महापात्र बयस पखापाखी 45 वर्ष। मृत महिला शरीर अर्धलग्न अवस्था मिलता। दुष्कर्म पर अनुपमा को हत्या करपा अभोग आनी गतकाली राति शौच पर बाहर को बाहरी बेले कहीं दुर्बृत्त झील को उठाई नहीं से कहते। मृत महिला गोटे पुओ अच्छी जीक बैंगलोर रोचे। तेज मृतकों बापा अभोग अभियोग को आधार करी महांगा पुलिस घटनार तदंत कर। से ये घरटा प्रतिष्ठा करा तीन मस है से घरे रोचे एकुटिया रोचे रात पु आसिक रात शुए मु मझे मझे आसिक भी रोहे 8 दिन 15 दिन 8 दिन 10 दिन आसिक सौदा पत्र आनी दिए तार गोटे पुओ से बांगालोर में तार स्त्री सहित रोचे ये 3-4 मास घर रही था कोरोना समय रे तापर से घर प्रतिष्ठा कर सारापर से जा कोटिया रोते से बाहर को आसी कल गाँव में प्रशासन होता से समय सुजोग देखी से बाहर को आसी लुगा पाल्टी लुगा घरे भी पड़ी ग्रिल बाटे देखा जा बाहर को आसी बाल्टी थुआई लाटिन के झाड़ा जाए समय आटाक कर आनिकेप कर मर्डर करटी भितर पोती देखते मुहटा पूरापूरी। मंडी समस्या को नहीं राति सारा चाषी धारणा। बरगढ़ जिला पद्मपुर उपखंड प्राय 70 मंडी में प्राय 7 लाख पैकेट रु अधिक धान पड़ रही है। प्राय 4,500 चाषी टोकन लैप्स हो जाता नहीं धान उठाई गत 7 दिन हम उपजिलापा कार्यालय सम्मुख में धारण में बसी चाषी हेले कौन प्रकार सुफल न मिलथिबारु पुणी थरे पद्मपुर उपजिलापा तहसील कार्यालय गेट आगे चाषी धान रखी गेट बंद कर। बरगढ़ चीफ सीएस ओ रजनीकांत दास एवं डीआरसीएस भक्तबंधु साहू चाषी आलोचना करने आसी को 4 दिन समय मागिता बेले चाषी माने किंतु समाधान नहबा जाए धारणास्थल न उठा को जिद धरी। अंपटे झिपिझिपि वर्षा आरंभ होता बेले खोला आकाश तले पड़ा धान बस्ता मान चाषी सबुठ बड़ चिंता साजिश। देखो ये जो आंदोलन मोर गुधवर्थ कमिट कल आज आसबी आफ्टरनून से अनुसार मुझे बाकी ये जो टोकन लाभ सब डिस्कसन चलिए से उपरे तार दृष्टि आकर्षण कराई जिला प्रशासन रही कमिट करके संभव आम द्वारा चेष्टा करें किसी समय लगे और से समय भितर प्रस्तुत होगी तार फर्दर कोर्स अफ एक्शन स्टार्ट हम सर आम चाषी मान निर्दिष्ट अभियोग तदन करने निर्देश देखु तार रिजल्ट आसे आपको जन दिज।
समस्त अच्छी मध्यान खबर को ये रखु नमस्कार।